धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचारियों ने सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स नुकसान पहुंचाया है। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे इन आरोपों की सच्चाई सामने आई है। कौशिक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा और उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। होगा कि प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनेक घोटाले किए, सभी विभाग में खुलकर भ्रष्टाचार किया गया। ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर को अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, अनवर ढेवर, अरुणपति त्रिपाठी, निरंजन दास, नितेश पुरोहित ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। इससे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा किए गए घोटाले की कलई एक बार फिर खुल गई है। इस फैसले से भाजपा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की एक बार फिर पुष्टि हुई है। यह कांग्रेस के द्वारा किया गया एक संगठित अपराध है। कांग्रेस के इस कृत्य को जनता तक अधिक से अधिक पहुंचाए। धन्यवाद।